स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्नो वॉल और फूड कस्टर्ड। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध। तो ये दूध को डाल के मैं बॉयल करूँगी इसे, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर हमने 6 चम्मच लिया हुआ है, और इसमें से थोड़ा सा मैंने कटोरी में दूध निकाल लिया था पहले ही, और उसमें उस दूध ठंडे दूध में मैं कस्टर्ड पाउडर को घोलूँगी। तो ये हमारा बॉयल हो चुका है, तो इस दूध में अब मैं कस्टर्ड पाउडर को घोल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को घोलने से लम्स नहीं पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं इस तरीके से इसे घोल लूँगी, और घोलने के बाद इसे कढ़ाई वाले दूध में ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये घुल चुका है और लम्स फ्री बिल्कुल घुला है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसे चलाऊँगी, और चलाते हुए इसे फिर मैं पकाऊँगी 2 से 3 मिनट। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं अब ऐड कर दूँगी चीनी, और ये 6 से 7 चम्मच चीनी मैंने लिया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी दोनों को मैं चलाते हुए मैंने पका लिया है 3 मिनट तक, और 1 से 1.5 मिनट और इसे गाढ़ा होने तक मैं पका लूँगी, और उसके बाद से गैस ऑफ़ कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पका लिया है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, और इस तरीके से बारीक कट कर लिया है मैंने, और इसे अब मैं मिक्स कर दूँगी सारे फ्रूट्स को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिक्स कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे कुछ ब्रेड हमने लिए हैं, तो ये पानी के अंदर चारों किनारे को इस तरीके से भिगो दूँगी मैं, और भिगोने के बाद इसे मैं एक इस तरीके से रख लूँगी। उसके बाद से एक कटे हुए बारीक फ्रूट्स को मैं इस पे रखूँगी, और आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ से इस तरीके से हल्के हाथों से इसे बंद करूँगी ब्रेड को, और आप देख सकते हैं ये मैंने बंद कर लिया है, और इसका बॉल तैयार है बिल्कुल। तो अब एक कटोरी में इसे रख दूँगी मैं, और आप चाहें तो इसे प्लेट में भी रख सकते हैं, बट मैं हर बॉल्स को अलग अलग रखूँगी। और इसी तरीके से सारे ब्रेड का बॉल मैं तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें तैयार करना है, और इस तरीके से मैं चम्मच की मदद से रख लूँगी और इसे बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको जितने बॉल बनाने हैं, तैयार करने हैं, उतने आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 बना के आपको दिखा दिया है, और इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स को तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है यहाँ पे 4 बॉल्स। तो चलिए अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इस पे मैं कस्टर्ड डाल दूँगी बॉल्स के ऊपर से, और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कस्टर्ड को ऊपर से डाल देंगे, और सारे बॉल्स में हमने कस्टर्ड डाल दिया है। अब ऊपर से मैं इसमें क्रीम डालूँगी, और ये क्रीम को अच्छा से हमने फेंट लिया है, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम क्रीम को ऊपर से रख देंगे सारे बॉल्स के ऊपर, और आप चाहें तो कस्टर्ड में मिक्स भी कर सकते हैं, बट मुझे ऊपर से इस तरीके से रखना अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा आप फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे, या ड्राई फ्रूट से भी आप गार्निश कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस पर बिल्कुल थोड़ा सा फ्रूट से गार्निश कर लिया है। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और आप देख सकते हैं 2 घंटा के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, और बिल्कुल अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप ज़रूर इसे बनाएँ, और हमें ज़रूर बताएँ कि रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।